कोरोना की तीसरी लहर आवाम पर ढाने लगी कहर। शहर में आज से 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे तक बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। इंडोर आउटडोर मैरिज हॉल्स कम्युनिटी सेंटर्स और मार्केट्स 15 मार्च से मुकम्मल बंद। रेस्टोरेंट्स और कैफे में बैठकर खाना सख्ती से मना। सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। तमाम तफरीही मुकामात और पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे। महकमा औकाफ का लाहौर समेत पंजाब भर के 550 से ज्यादा मजारात भी बंद करने का हुक्म। कोरोना वबा की खतरनाक सूरत हाल, हुकूमत को आवाम की सहूलत का भी ख्याल। मेडिकल स्टोर्स और लेबोरेटरीज पूरा हफ्ता 24 घंटे खुली रहेंगी। ग्रॉसरी स्टोर्स, आटा चक्की, फ्रूट सब्जी की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप्स को भी हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे खुला रखने की इजाजत। टायर पंक्चर शॉप्स, फिलिंग प्लांट्स, वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स शॉप्स और जरई मशीनरी और आलात की दुकानें भी 24 घंटे सर्विसेज फराहम करेंगी। सरकारी और निजी दफातर 50% स्टाफ के साथ काम करने के पाबंद। समाजी और मजहबी तकरीबात में 50 अफराद को शामिल होने की इजाजत। लाहौरियों की खुशियों को नजर लग गई। जश्न बहारा मेला भी कोरोना की नजर हो गया। पीएचए का जिलानी पार्क में जारी जश्न बहारा मेला मुलतवी करने का फैसला। मेले की बाकी तकरीबात मंसूख कर दी गई। 1 मार्च से शुरू होने वाला जश्न बहारा मेला सिर्फ 12 रोज तक जारी रहा। गुज़िश्ता बरस भी कोरोना वायरस के सबब जश्न बहारा मेला मंसूख किया गया था। ज़िला इंतजामिया लाहौर ने पंजाब कल्चर नाइट को भी मुलतवी कर दिया। कल्चर नाइट आज शाम 6 बजे अलहमरा ओपन थिएटर में मुनक़द होनी थी। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में मुसाफिरों को महदूद करने का फैसला। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को महदूद करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मेट्रो बस में एक वक्त में 100 मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत। मेट्रो बस में 200 मुसाफिर एक वक्त में सफर करने की गुंजाइश मौजूद। टिकटिंग स्टाफ को महदूद टिकट जारी करने की हिदायत। मास्क के बगैर मेट्रो बस के स्टॉप पर आने की इजाजत ना होगी। ऑरेंज ट्रेन में मास्क के बगैर सफर करने पर पाबंदी आए। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मिस्र शाह में एक ही घर में 4 अफराद वायरस का शिकार। नवाब कलोनी में बिरून मुल्क से आए अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पुलिस ने गली को सील कर दिया। ग्वाल मंडी सोनी स्ट्रीट में भी स्मार्ट लॉकडाउन। पुलिस की मौजूदगी में शहरियों की आमदरफ्त जारी। अलामा इकबाल टाउन के 3 ब्लॉक्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलशन ब्लॉक के हाउस नंबर 170 से 190 तक घर हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल। गुलशन ब्लॉक के 20 घरों को स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल किया गया। इलाका मकीन स्मार्ट लॉकडाउन से बेखबर। 2 पुलिस अहलकार मौजूद। दीगर इंतजामी इदारों के अहलकार गायब। रमजान में कोरोना केसेस की तादाद में मजीद इजाफा होगा। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र सख्ती करनी पड़ी। दूसरी लहर के दौरान कोरोना SOPs को संजीदगी से नहीं लिया गया। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगु। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहर्रिक। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 6 दुकानों, 1 रेस्टोरेंट और 3 मैरिज हॉल्स को सरबमोहर कर दिया। ऑपरेशन क्लीन अप अधूरा। शहर को गंदगी से पाक न किया जा सका। जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर बरकरार। अहम शाहराहों पर पड़े कंटेनर्स कूड़े से भर गए। गली महल्ले भी गंदगी से अट गए। ताफन उठने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर गंदगी के ढेर। उठने वाले ताफन से तलबा और राहगीर परेशान। कूड़े के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुँह चढ़ाने लगे। सेक्रेटरी बल्दिया
वज़ीर-ए-आला नूरुल अमीन मेंगल का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, शहर में जारी सफाई ऑपरेशन और इंतजामात का जायजा लिया। अल-फ़ख़्रीन टावर के करीब मौजूद कलेक्शन प्वाइंट को फौरी खाली करने की हिदायत। सेक्रेटरी बल्दियात ने वर्कशॉप के उमूर का जायजा लिया। मुकम्मल मशीनरी को फील्ड में मुतहर्रिक करने की हिदायत। कहते हैं कि बड़ी गाड़ियां मुतहर्रिक कर दी गई हैं, जल्द नई मशीनरी खरीद कर शहर के सफाई ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाया जाएगा। सीईओ एलडब्ल्यूएमसी कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर शहर से 6500 टन कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। मुनीर अहमद खान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद वज़ीर आला से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सरदार उस्मान खान बुज़दार बोले, अपोजिशन को मनफी सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं और अवामी खिदमत करते रहेंगे। मुनीर अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन की बेमकसद तहरीक दम तोड़ चुकी। सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना शफाफ पाकिस्तान की कामयाबी है। साबिक वजीर आजम अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमतयार की मंसूरा आमद, सेनेटर सिराजुल हक से मुलाकात की। अफगानिस्तान और खित्ते की मजमुई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन के कायम पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। चनियोट माइंस एंड मिनरल रेफरेंस अदालत का SHO इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी। 30 साल सर्विस में तुमने माफिया मांग कर काम चलाया है। फासिल जज SHO के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। सप्तान खान के शरीक मुलजिम अरशद वहीद के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का दोबारा आगाज। अदालत ने दोबारा इस्लामाबाद पुलिस को इश्तिहार आवेजा करने का हुक्म दे दिया। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सेशन कोर्ट में पसंद की शादी का केस, लड़की का अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार। पसंद की शादी की है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लड़की का अदालत में बयान। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने दोनों मियां बीवी को तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। SSP ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला का थाना इचरा और फैक्ट्री एरिया का दौरा। फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम, हवालात, रिकॉर्ड रूम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। थानों का रिकॉर्ड, बैरिक्स, रजिस्टर्स और अमले की हाजिरी भी चेक की। थानों में सफाई के इंतजाम मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। का शेड्यूल मुसलसल दरहम बरहम। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट। कराची एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस भी 2 घंटे 35 मिनट लेट। जाफर शाह हुसैन, मिल्लत, अवाम और पाकिस्तान एक्सप्रेस भी ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। और आसमान पर बादलों के डेरे, सूरज और बादलों की आंख मचोली। कम से कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 तक जाने का इम्कान। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। हवा में नमी का तनासुब 67% रिकॉर्ड।